Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इस विषय में हम लोगों ने कई मॉड्यूल पे डिस्कशन कर लिया है और आज हम लोग बारहवें पॉइंट पे हैं लेक्चर नंबर बारह है मेरा तो ऑलरेडी ग्यारह पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर लिया है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि में तो अब बारहवा टॉपिक क्या है इसका शीर्षक क्या है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे इसको बताने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है उसके पहले मैं न्यायिक सेवा परीक्षा से पास करके और न्यायिक अधिकारी था आसाम न्यायिक सेवा सर्विसेस में और मैं विगत 10-12 साल से अध्ययन अध्यापन में हूँ और इस समय मैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय आप सभी लोगों से अब विषय की बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इसको हालांकि मैंने इंट्रोड्यूस किया है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये विषय क्या है तो ये विषय बताती है कि सिविल कोर्ट में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं अगर किसी का सिविल अधिकार प्रभावित हो गया तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिविल कोर्ट में वो किस तरीके से मुकदमा प्रस्तुत करेगा कैसे दूसरा व्यक्ति उसको डिफेंड करेगा कोर्ट इसको कैसे डिसाइड करेगी तो ये सारा प्रोसीजर है जो सिविल मैटर को लेकर बताता है क्रिमिनल मैटर को नहीं केवल सिविल मैटर को लेकर के जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है ऑफिस का डिस्प्यूट है तो इसको हम सिविल मैटर बोलते हैं तो ये प्रक्रिया इसी की बात करती है इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संगीता ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही बृहद प्रोसीजर है जो देश में चलता है बहुत दिनों से ठीक है अब ध्यान दें इसमें हम लोगों ने विषय का इंट्रोडक्शन देखा था बहुत ही पहले लेक्चर में मैंने विषय के बारे में सारी बात बताया था कितने सेक्शन आर्डर्स रूल्स हैं इसका मॉड्यूल क्या है ये कैसे फंक्शन करती है सब बताया था हम लोगों ने ये भी देखा था सूट ऑफ सिविल नेचर क्या है कौन ऐसा मुकदमा है जो सिविल कोर्ट में जाएगा इस प्रक्रिया के तहत तो हम लोगों ने धारा नौ में देखा था सूट ऑफ सिविल नेचर सिविल प्रकृति का वाद क्या है तो उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कस किया था एक लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा था जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीपीसी के अंदर जिसको रेस जुडिकेटा रेस सब्जुडिस के नाम से जानते हैं सेक्शन ग्यारह सेक्शन दस में वर्णित है उसको भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल यहाँ पे इस लेक्चर में देखा था इसके बाद हम लोगों ने देखा था सिविल कोर्ट की डिक्री क्या है सिविल कोर्ट का निर्णय क्या है तो डिक्री और निर्णय में क्या अंतर है तो ये सारा हम लोगों ने देखा था कब निर्णय कब डिक्री कैसे निर्णय कैसे डिक्री उसके तमाम प्रक्रियाएं क्या हैं वो सब हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्पेशल मुकदमा कैसे इंस्टीट्यूट होता है स्पेशल मामले में मुकदमा कैसे इंस्टीट्यूट होता है कब कब कोर्ट एंटरिम आर्डर पास करती है ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने ये भी देखा था कि वाद के पक्षकार कौन होंगे प्ल, प्लेंटिव कौन बनेगा डिफेंडेंट कौन बनेगा हु में प्लेटिव में डिफेंडेंट्स इसको ऑर्डर वन के माध्यम से आदेश एक के माध्यम से मैं बहुत डिटेल इस क्लास में पिछले लेक्चर में बताया था तो इसी क्रम में एक ग्यारह लेक्चर हमारे हो गए हैं ये बारहवां लेक्चर है अब बाराव लेक्चर का शीर्षक क्या है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसका शीर्षक इस लिखा हुआ है आप देखें इस स्क्रीन पे लेक्चर नंबर बारह इसका नाम है अभिवचन वाद पत्र तथा लिखित कथन और इसमें तीन स्टेच्यूटरी प्रोविजन है आदेश छ आदेश सात और आदेश आठ तो इसको मैं बताऊं चूंकि ये बड़ा ही कठिन हिंदी का शब्द है तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अभिवचन को बोलते हैं प्लीडिंग प्लीडिंग्स प्लीडिंग्स वादपत्र को बोलते हैं प्लैंट और लिखित कथन को बोलते हैं रिटेन स्टेटमेंट रिटेन स्टेटमेंट रिटेन स्टेटमेंट ये जो है ये ऑर्डर सिक्स है ये ऑर्डर सेवन है और ये ऑर्डर एट है सीपीसी का सीपीसी इसको बोलते हैं सिविल प्रोसीजर कोड इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता तो इसका आदेश छ आदेश सात आदेश आठ रिस्पेक्टिवली इन तीन सब्जेक्ट मैटर की बात करता है आदेश छ प्लीडिंग आदेश सात प्लैंट आदेश आठ रिटर्न स्टेटमेंट तो इन तीनों को हम आपको इस एक घंटे के लेक्चर में बताऊंगा प्लीडिंग क्या है प्लेट क्या है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है बहुत ही साधारण भाषा में जो इसके बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए हम उसी तक कंफाइंड रहेंगे अदरवाइज अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा रूल्स हैं अगर आप आर्डर छः की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रूल है सत्रह अट्ठारह रूल है आप आर्डर सेवन की बात करें यहाँ पे भी सत्रह अट्ठारह रूल है आर्डर एट की बात करें तो दस के आसपास रूल यहाँ पे भी है तो बहुत रूल्स हैं इसमें तो सारे रूल की व्याख्या नहीं करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है उसको अलग अलग तीनों बातों की हम लोग व्याख्या करेंगे अब इसमें ध्यान दें प्लीडिंग प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है इसको एक बार आप थोड़ा सा समझें मैं बताऊँ फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा ये प्लीडिंग प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट जब मान लीजिए मेरा सिविल अधिकार प्रभावित हो गया हमारे सिविल अधिकार का किसी ने हनन कर दिया हमारा सिविल अधिकार कोई वायलेट कर दिया और मैं इससे पीड़ित महसूस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा मैं न्यायालय में मुकदमा लेकर मु, ले के जाऊंगा जब न्यायालय में मुकदमा लेके जाऊंगा तो इसको प्लीडिंग के प्लीडिंग के माध्यम से लेके जाऊंगा इसको अभिवचनों के माध्यम से लेकर जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मैं जाऊंगा तो मुझे जाकर के कोर्ट में कुछ कहना है अपोजिट पार्टी कोर्ट में जाएगा तो उसको भी कोर्ट में कुछ कहना है तो जिसका अधिकार प्रभावित हुआ है और जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दाखिल किया है इन दोनों लोगों को कोर्ट में कुछ कहना है जाकर के तो क्वेश्चन है कि कोर्ट में जो एक कहेंगे तो कैसे कहेंगे कहने के लिए ऐसा नहीं आप ओरल जाएंगे और जाकर के अपनी कहानी जैसे राम कथा कहते हैं वैसे जाके जज साहब को सुना देंगे और जज साहब सब याद कर लेंगे ऐसा नहीं होगा उसके लिए तरीका बताया गया है तरीका यह बताया गया अगर आप प्लेंटिव हैं तब भी आपको एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है अगर आप डिफेंडेंट हैं तो आपको अपने डिफेंस में कुछ लिख करके डॉक्यूमेंट पे लेके जाना है यही लिखा हुआ दस्तावेज प्लेटिव और डिफेंडेंट का प्लीडिंग कहलाता है यही प्लीडिंग है तो अब आदेश छह में यह बताया गया है कि प्लीडिंग कैसे प्लीडिंग में क्या लिखा जाएगा प्लीडिंग कब अमेंडमेंट हो सकती है प्लीडिंग पे कैसे साइन और वेरिफिकेशन होगा प्लीडिंग के खराब चीजों को कब काट करके निकाल दिया जाएगा यह सब इसमें लिखा हुआ तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे तो यह प्लीडिंग दूसरा आर्डर सात प्लेंट की बात करता है प्लेंट का मतलब वाद पत्र यह केवल वादी से संबंधित है यह केवल प्लेंटिव से संबंधित है दिस इज द एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट ऑफ प्लेंटिव इन द सिविल मैटर और इसको प्लेंटिव लेकर के जाता है कोर्ट में जैसे मान लीजिए मेरा सिविल अधिकार प्रभावित हो गया तो मुझे प्लेंटिव बोलते हैं जो कोर्ट में मुकदमा करेगा उसको प्लेंटिव बोलते हैं वादी बोलते हैं तो यह मेरा डॉक्यूमेंट है यह अपोजिट पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं है आर्डर सेवन में प्लेंट की बात है तो अब मेरा सिविल अधिकार अगर प्रभावित हो गया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और जाकर के कोर्ट में मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करूंगा मान लीजिए ये, ये मेरी पेन है और इस मेरी पेन को किसी ने ले लिया तो मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करूंगा उसमें मैं बताऊंगा मैं कौन हूं ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे है और इस प्रॉपर्टी को किसी ने लिया है तो कैसे लिया है यह सब मैं बताऊंगा और लिख करके मैं बताऊंगा उसका रूल है पहले क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे कहां साइन करेंगे वो सब रूल है तो आर्डर सेवन में वैसे ही हम इसको ड्राफ्ट करेंगे और ले जाकर के कोर्ट में सबमिट कर देंगे तो इसको बोलते हैं वाद पत्र प्लांट आर्डर सेवन तो ये हो गया आर्डर सेवन जो प्लेंटिव का डॉक्यूमेंट है जिससे अपने क्लेम को कोर्ट में बोलता है अब आर्डर आठ पे आइए आर्डर आठ बोल रहा है लिखित कथन रिटर्न स्टेटमेंट आर्डर आठ जो है एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट अपोजिट पार्टी का है डिफेंडेंट का है प्रतिवादी का है जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दाखिल किया है उसका डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा हमने बोला कि मिस्टर एक्स ने मेरा पेन ले लिया है जबकि ये पेन हमारी है तो अब मिस्टर एक्स को समन होगा आर्डर पांच में वो कोर्ट में बुलाया जाएगा जब कोर्ट में आएगा तो एक डॉक्यूमेंट लेके आएगा जिस डॉक्यूमेंट को लेके आएगा उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन तो उस डॉक्यूमेंट में वो पूरा अपना डिफेंस लेके पूरा बचाव लिख करके ले आएगा पहला बचाओ दूसरा बचाओ तीसरा बचाओ कैसे ये पेन उसकी है कैसे ये पेन हमारी नहीं है ये सारी बातें तो उसमें भी रूल्स है कैसे फ्रेम होगा

सिविल प्रक्रिया संहिता तो इसी की बात हम लोग कर रहे हैं कि केवल इसमें क्लेम और डिफेंस की बात है प्लेटिव अपना क्लेम कैसे लेके जाएगा डिफेंडेंट अपना डिफेंस कैसे लेके जाएगा उसी की प्रक्रिया है इसमें तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि टॉपिक में जिस बात को हम लोग करने जा रहे हैं वो बात क्या है यह शायद आपको समझ में आया होगा अब आगे एक एक करके हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्लीडिंग पे जाते हैं अभिवचन पे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप चलिए प्लीडिंग के बारे में मैंने बाइफर्केशन किया हुआ है तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप अभिवचन अभिवचन आदेश देखिए प्लीडिंग प्लीडिंग, ऑर्डर सिक्स ऑर्डर सिक्स तो प्लीडिंग की बात हो गई प्लीडिंग में कुल मिलाकर के अठारह रूल है अगर आप देखेंगे मैंने इसको तीन भाग में बांटा है पहला पॉइंट है सामान्य नियम एक से लेकर तेरह तक दूसरा बात है हस्ताक्षर सत्यापन और काटना यह नियम चौदह से सोलह है और तीसरा है संशोधन यह नियम सत्रह और अट्ठारह है तो ये इतने पूरे नियम है एक से लेकर अठारह तक मैंने आपको बताया तो इसमें अठारह रूल का कलेक्शन है तो आर्डर सिक्स और कुछ नहीं है।, रूल्स, और प्रोसीजर रिगार्डिंग प्लीडिंग एज यही है तो अब एक एक करके इसको देखते हैं ध्यान दीजिए सामान्य सामान्य का मतलब जनरल जनरल रूल्स क्या है प्लीडिंग के इसमें रूल एक से लेकर थर्टीन तक बताया गया है तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट को लेकर चलेंगे जनरल प्लीडिंग में जनरल रूल्स क्या है जनरल नियम क्या है सामान्य नियम क्या है उसको हम लोग को देखना है रूल एक से तेरह तक अब एक एक रूल की तो मैं व्याख्या नहीं करूंगा रूल एक से तेरह तक का एक क्रक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिए प्लीडिंग सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीडिंग है क्या तो इसमें लिखा हुआ है प्लीडिंग या तो प्लैंट है या तो रिटर्न स्टेटमेंट है प्लीडिंग एज इधर प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट ध्यान दीजिए ये लिखा हुआ है माने प्लीडिंग क्या है प्लेट भी प्लीडिंग है और रिटर्न स्टेटमेंट भी प्लीडिंग है ऐसा नहीं है कि प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट जब दोनों क्लब हो जाएंगे तब प्लीडिंग बनेंगे ना ऐसी बात नहीं है प्लेट इज ऑल्सो प्लीडिंग रिटर्न स्टेटमेंट इज ऑल्सो प्लीडिंग प्लेट इज द प्लीडिंग ऑफ प्लेटिव रिटर्न स्टेटमेंट इज द प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट ध्यान दीजिए तो वाद पत्र वादी का अभिवचन है और लिखित कथन प्रतिवादी का अभिवचन है और दोनों अभिवचन है और दोनों अलग अलग भी अभिवचन है अपने में भी अभिवचन है क्लब करके भी अभिवचन है तो ये अभिवचन है दोनों ठीक है ना अब ध्यान दीजिए या तो प्लेंट या तो रिटर्न स्टेटमेंट अब क्वेश्चन है कि जब प्लीडिंग लिखी जाएगी तो प्लीडिंग के लिखने का तरीका क्या है तो इसमें लिखा हुआ है कि हर एक क्लेम पैराग्राफ में लिखा जाएगा ऐसा नहीं है कि आप जब अपनी बात को खोटा ऑफ में कहेंगे तो कहानी के जैसे शुरू हो जाएंगे और एक लाइन से शुरू करेंगे और लास्ट में एक पैरा लिख देंगे एक बार की बात है एक राजा था एक रानी थी ऐसे नहीं कहना है आपने आपको हर पॉइंट को बड़ा कंसाइज और प्रिसाइज करके चलना है जैसे पॉइंट नंबर वन दैट इज यह की यह पेन हमारी थी तो एक बात में आप यही लिखेंगे यह पेन हमारी थी अब दूसरा लाइन आएंगे यह पेन आपकी कैसे थी अब दूसरे लाइन में ऐसे लिखेंगे ये पेन प्रतिवादी ने कैसे ले लिया चीज का क्लियर कट पॉइंट होगा ऐसा नहीं है कि वेग वाइज तो लिखा जाएगा हर एक पैरा में एक ही क्लेम या डिफेंस होगा ऐसा नहीं होगा कि एक पैरा में तीन चार क्लेम या डिफेंस आपने क्लब कर दिया ना हर एक पैरा में या तो एक क्लेम होगा या तो एक डिफेंस होगा ऐसे चलेगा ठीक है और इस प्लीडिंग के अंदर अगर कोई फिगर है डेट है कोई न्यूमेरिकल है तो ये वर्ड में भी लिखा जाएगा और फिगर में भी लिखा जाएगा दोनों में लिखा जाएगा जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि ग्यारह मार्च 2024, तो आप इसको दो तरीके से लिखेंगे एलेवेंथ थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर यह तो जैसे आप तारीख लिखते हैं ऐसे लिख देंगे फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एलेवेंथ ऑफ मार्च एम ए आर सी एच एलेवेंथ ऑफ मार्च 2024 ये सब आप आप अंग्रेजी में चाहे हिंदी में इसको पूरा लिखेंगे जैसे वर्ड में लिखते हैं वर्ड में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे कोई आप अमाउंट लिखते हैं मान लीजिए मनी का अमाउंट है तीन हजार रुपया तो आप इसको दो तरीके से लिखेंगे थ्री जीरो 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 और ब्रैकेट में थ्री थाउजेंड्स ब्रैकेट क्लोजेज ऐसे लिखेंगे ये इस चीज के लिए है ताकि आपने लिखा तीन हजार और बड़ा अद्भुत देश है ये फैंटेस्टिक कंट्री है हमारी एक और जीरो किसी ने बढ़ा दिया उसमें या एक जीरो किसी तरीके से इरेज कर दिया तो तीन हजार का तीन सौ या तीन हजार का तीस हजार हो जाएगा लेकिन जब आप उसको हिंदी में भी लिखे हुए हैं अंग्रेजी में भी लिखे हैं अवॉर्ड में थ्री थाउजेंड तो थ्री का थर्टी बनाना बहुत कट पेस्ट हो जाएगा उसमें और दिख जाएगा कि अरे तो कोई काटकुट किया है इसमें समझ आ जा जाएगा तो इसीलिए इसमें क्लैरिटी और इसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया गया है कि जहां पर कोई अमाउंट है सम है डेट है तो इसको फिगर में भी लिखेंगे और वर्ड में भी लिखेंगे ताकि कोई इसमें मोनिपुलेशन ना हो कोई इसमें तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो कोई नोटेरियस एलिमेंट इसको डिस्टर्ब ना करे तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे इसको तो हर एक बचाव हर एक क्लेम को आप एक पायरा में लिखेंगे और हर एक सेपरेट क्लेम और डिफेंस के सेपरेट पायरा होंगे और इस तरीके का कोई डेट है सम है एटसेट्रा तो ये न्यूमेरिकल में भी होगा और वर्ड में भी होगा ये लिखा हुआ है आगे ये जो प्लीडिंग होगी प्लीडिंग में क्या लिखा जाएगा केवल क्लेम्स एविडेंस नहीं ध्यान दीजिए केवल फैक्ट्स लिखेंगे केवल क्लेम या डिफेंस लिखेंगे इसमें साक्ष्य नहीं देंगे एविडेंस नहीं देंगे इसको बोलते हैं प्लीडिंग सेल कंटेंट फैक्टा प्रोवेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोवेंसिया ध्यान दीजिए दो चीज है इसमें फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंसिया फैक्टा प्रोवेंडा मीन्स दिच इज रिक्वायर टू बी प्रूव वो फैक्ट जिसको साबित करने की जरूरत है एंड फैक्टा प्रोवेंसिया मीन्स बाई वॉट मेथड दीज स्टेटेड फैक्ट इज टू बी प्रूव उसको बोलते हैं एविडेंस तो प्लीडिंग यह नहीं रिक्वायर करता है कि आप उसमें एविडेंस देंगे ना उसमें फैक्टा प्रोवेंसिया की जरूरत नहीं है प्लीडिंग में केवल फैक्टा प्रोवेंडा होगा वट आर दैक्ट मस्ट भी स्टेटेड इन द प्लीडिंग तो प्लीडिंग में फैक्ट्स लिखे जाएंगे एविडेंस नहीं लिखा जाएगा साक्ष्य नहीं लिखा जाएगा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है तो इसको ध्यान दीजिए प्लीडिंग सेल कंटेंट फैक्ट फैक्ट ऑफ ऑफ प्रोवेंडा एंड नॉट प्रोवेंसिया ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं ये जब प्लीडिंग आप दाखिल करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में तो आपने लिख दिया आप तो अगर आप प्लेंटिव है तो अपना प्लेंट लिखे रिटर्न स्टेटमेंट लिखे अगर आप डिफेंडेंट है तो जब आप लिखेंगे ना तो केवल लिख करके न्यायालय में नहीं देना है अपने लिख लेना है जैसे रूल से वैसे तो लिख देंगे आप लिखने के बाद इस इसमें साइन भी होगी अगर आप देखेंगे हस्ताक्षर एक पॉइंट नंबर सेकेंड में आप देखेंगे हस्ताक्षर यह है नियम चौदह नियम चौदह तो जो हस्ताक्षर होगा वो नियम चौदह के तहत बताया गया है कि जब आप प्लीडिंग लिखेंगे तो प्लीडिंग लिखने के बाद लास्ट में उसमें अपना सिग्नेचर डालेंगे सिग्नेचर तो प्लीडिंग मस्ट बी साइंड बाय द पार्टी एंड दियर प्लीडर ये लिखा हुआ है पार्टी साइन करेगी और उसका वकील भी साइन करेगा अगर मान लीजिए पार्टी नहीं साइन कर पाती है तो पार्टी किसी दूसरे को भी साइन तो कर, तो कर, तो कर, कर सकता है तो प्लीडिंग मस्ट भी साइंड ये रूल चौदह में है। प्लीडिंग मस्ट भी साइन बाई दियर प्लीडर इसमें सिग्नेचर होना जरूरी है इसके बाद देखिए सत्यापन ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास है रूल 15 ध्यान दीजिए रूल 15 वेरिफिकेशन प्लीडिंग का वेरिफिकेशन भी होगा हर पैरा का वेरिफिकेशन होगा आप पैरावाइज क्लेम या डिफेंस लिखे हैं मैंने आपको बताया हर एक में अलग क्लेम या डिफेंस है भी मैंने आपको बताया अब हर एक पैरा का सत्यापन भी आप करेंगे वेरिफिकेशन भी करेंगे आई इन प्लेट बिंग द्लेंटिवर आई एव स्टेट इन द रिटर्न स्टेटमेंट बिंग द डिफेंडेंट इन दोनों का हम सत्यापन करेंगे कैसे सत्यापन करेंगे दो तरीके का सत्यापन होता है इसमें आप कहेंगे पैरा एक दो तीन इज ट्रू एज पर माई ओन नॉलेज ये हमारे अपने ज्ञान से सत्य है पैरा चार पांच छ ये इसलिए सत्य है बिकॉज आई हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन एंड बिलीव इट टू बी ट्रू ऐसे कहीं से इंफॉर्मेशन लेकर के विश्वास किया हूं कि ये सही है तो जो आपका अपना नॉलेज है वो तो आप अपने नॉलेज से बताएंगे सही है और जो कहीं कानून से विधि से वकील से इधर से उधर से नॉलेज लेके आप विश्वास करते हैं कि सही है तो उसको ऐसे लिखेंगे इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू एंड अकॉर्डिंगली दिस पैरा इज वेरीफाइड बाई मी तो ऐसे वेरिफिकेशन आप इसका करेंगे जो भी हमने कहा है वो सत्य है ध्यान दीजिए तो प्लीडिंग मस्ट बी वेरीफाइड ईच एंड एवरी पैरा मस्ट बी वेरीफाइड ये रूल फिफ्टीन है इसको वेरीफाई करना पड़ेगा आपको और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है रूल 15 में ही प्लीडिंग के कंटेंट को एफिडेविट से सपोर्ट करना पड़ेगा एफिडेविट से अभी अभिवचनों के कंटेंट को ना शपथ पत्र से सपोर्ट करना पड़ेगा आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि ये जो पैरा वन टू थ्री हमारे नॉलेज से पैरा फोर फाइव सिक्स इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू ये जो आप सत्यापित कर रहे हैं ना जो वेरीफाई कर रहे हैं ना ये शपथ पत्र से जाएगा एफिडेविट पे आप बोलेंगे और एफिडेविट पे अगर कोर्ट में कोई चीज गलत बोलते हैं तो उसका बड़ा गंभीर परिणाम होता है ठीक है इसलिए इसका गंभीर परिणाम होगा तो आपको जो बोलना है वो सत्य बोलना है क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि बोले हैं वो सही है और आप एफिडेविट पे बोल रहे हैं कि सही है तो इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस है तो ये है रूल फिफ्टीन ठीक है ना तो सत्यापन हो जाएगा प्लीडिंग का सत्यापन करना है अब तीसरा है काटना ध्यान दीजिए काटना इसके लिए हमारे पास है रूल सोरह रूल सिक्सटीन स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स

इसमें कोर्ट को पावर दिया गया है कि सिविल कोर्ट को जब लगे कि कंटेंट ऑफ द प्लीडिंग स्टेटमेंट इज अननेसेसरी स्कैंडलस डिले इन ट्रायल तो कोर्ट कभी भी इसको काट करके हटा सकती है क्योंकि अनावश्यक चीजें कोर्ट में नहीं ले जानी चाहिए कोर्ट में आवश्यक चीज जानी चाहिए तो अनावश्यक चीजें जो होगी उसमें कोर्ट को पावर देता है सीपीसी e. वो सिविल मामले में इसको काट के हटा देगी तो ये तीन रूल था हमारे पास रूल चौदह पंद्रह सोलह रूल चौदह में हम लोगों ने देखा अभिवचनों पर हस्ताक्षर होना चाहिए रूल पंद्रह में हम लोगों ने देखा अभिवचनों का सत्यापन होना चाहिए और रूल सोलह में हम लोगों ने देखा अभिवचनों को काट दिया जाना चाहिए अगर गड़बड़ है तो अगर नहीं गड़बड़ है तो चलेगा ठीक है ना तो ये तीन रूल है हमारे पास सिग्नेचर ओवर द प्लीडिंग वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग एंड स्ट्राइकिंग ऑफ प्लेडिंग दी जाती थ्री पॉइंट रूल फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन अब तीसरे पॉइंट पे अगर आप स्लाइड में देखेंगे तो तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो है संशोधन इसमें दो नियम है नियम सत्रह और अट्ठारह अभिवचनों में संशोधन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अभिवचनों में संशोधन तो, मतलब अरे अरे तो दो चार पॉइंट गलत हो गया या इसमें कुछ और चीज जोड़ा जाना चाहिए था तो कोर्ट में एप्लीकेशन देगा कहेगा जज साहब हमारे प्लेट को संशोधित करना है इसमें अमेंडमेंट करना है तो कोर्ट अलाउ कर सकती है आप उसको अमेंड कर सकते हो कब तक कर सकते हो उसका स्टेज है अभी मैं बताता हूं इसी तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट है अपोजिट पार्टी का वो लिखित कथन तो दे दिया आपने डिफेंस तो सबमिट कर दिया डिफेंस सबमिट करने के बाद उसको याद आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो छूट गया या उसमें कुछ ऐसी चीज लिख दिया जो कि नहीं लिखना चाहिए था वो तो उसके लिए घातक हो जाएगा तो फिर कोर्ट के पास जाएगा और एक अपलीकेशन देगा कहेगा जज साहब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको हटाना है या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको जोड़ना है हमको अलाउ कर दीजिए तो इसको बोलते हैं अमेंडमेंट इन प्लीडिंग तो इधर प्लेट में भी अमेंडेड और रिटर्न स्टेटमेंट में भी अमेंडेड अंडर दीज रूल्स रूल 17 एंड 18 तो दोनों में अमेंडमेंट हो सकता है दोनों में संशोधन हो सकता है अब इसमें क्या नियम है आप रूल 17 में पहले आइए रूल 17 क्या बोल रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आर्डर सिक्स रूल सेवेंटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है सीपीसी का सत्रह में संशोधन का नियम है लिखा हुआ है कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ध्यान दीजिए कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग तो अमेंडमेंट न्यायालय कभी भी अलाउ कर सकती है में ध्यान दीजिए ये डिस्क्रिशनरी पावर है सिविल कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है ऐसा नहीं है आपसे कुछ गलत हो गया और आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो यू कैन क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट ना आप अधिकार के रूप में इसको नहीं क्लेम करेंगे दिस इज द मर्सी ऑफ द सिविल कोर्ट मे अलाउ और मे नॉट अलाउ तो ये आप अप्लीकेशन दे सकते हैं आप प्रेयर कर सकते हैं जैसा आप हमसे गलती हो गई हमको अलाउ कर दीजिए हमको संशोधन करना है अगर सिविल कोर्ट को लगेगा तो आपको अलाउ करेगी नहीं लगेगा तो नहीं करेगी तो इसमें सिविल कोर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन है कोर्ट कोर्ट में court में नॉट तो ये पहला पॉइंट है रूल सेवनटीन का रूल सेवनटीन का दूसरा पॉइंट है कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट ध्यान दीजिए जो पहला पॉइंट था वो था कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट में अलाउ का मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन है मन करेगा अलाउ करेगी मन करेगा भगा देगी आपको लेकिन जो दूसरा पैरा वो मैंडेटरी है उसमें सिविल कोर्ट निश्चित रूप से संशोधन अलाउ करेगी कोर्ट सैल एलाउ अमेंडमेंट ये क्या चीज है कब सैल एलाउ कब स्टेच्यूट का सीपीसी का मैंडेट है कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर जब इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट इसको कानून की भाषा में बोलते हैं रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट व्यक्तियों के बीच में रियली में डिस्प्यूट क्या है रियली में कंट्रोवर्सी क्या है यह पता नहीं चल पा रहा है प्लीडिंग पढ़ने के बाद तो जज साहब अमेंडमेंट निश्चित रूप से अलाउ करेंगे क्योंकि जज साहब बैठे हैं किस चीज के लिए टू डिटरमाइन कंट्रोवर्सी बिटवीन दी पार्टी और प्लीडिंग के बाद जज साहब को पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या कंट्रोवर्सी है पार्टियों के बीच में तो जज साहब निश्चित रूप से इसमें अलाउ करेंगे अमेंडमेंट क्योंकि कंट्रोवर्सी डिटरमाइन करना है और इसी कंट्रोवर्सी को डिसाइड करना है तो ये दूसरा पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है रियल कंट्रोवर्सी टेस्ट अगर प्लीडिंग के बाद इट इज नॉट क्लियर दैट व्हाट इज द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज देन सिविल कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट ध्यान दीजिए तो पहला पहरा <coughs> सामान्य दशा में सिविल कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट लेकिन स्पेशल प्रोसीजर है जहां पे रियल कॉन्ट्रोवर्सी रिक्वायर टू तो बी डिटरमाइंड वहां पे कोर्ट अमेंडमेंट तो ये तो दो बात हो गई रूल सेवनटीन में रूल सेवनटीन में तीसरी बात ध्यान दीजिए जो रूल सेवनटीन का पहली बात हम लोगों ने देखा कोर्ट में अमेंडमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग तो कब तक अमेंडमेंट कब तक क्या जजमेंट होने के बाद भी अमेंडमेंट आप जाएंगे कराने के लिए ना उसका एक स्टेज है उसमें लिखा हुआ है एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल ध्यान दीजिए एनी टाइम बिफोर दी कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल विचारण शुरू होने के पहले कभी भी आपको कोर्ट कोर्टमेंट अलाउ कर सकती है लेकिन विचारण होने के बाद, अब आप इसको जाएंगे तो कोर्ट आपको मना भी कर सकती है मना भी कर सकती है लेकिन विचारण के बाद भी कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है कब जब ड्यू डेलीजेंस था ध्यान दीजिए ड्यू डेलीजेंस आप अगर अपना पूरा दिमाग भी लगाते तो आपको चीज पता नहीं चलती जो छूट गई है आपसे

कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल तो कोर्ट ट्रायल के बाद भी अलाउ कर सकती है तो ये तीसरा पॉइंट था ध्यान दीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं तो वेरी फर्स्ट पॉइंट वॉज कोर्ट में अलाउ अमेंडमेंट सेकेंड पॉइंट कोर्ट सेल अलाउ अमेंडमेंट टू डिटरमाइन द रियल कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन दार्टीज एंड तीसरी बात कब तक एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल लेकिन अगर ड्यू डेलीजेंस है तो इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल और चौथा पॉइंट है चौथा पॉइंट है इसमें कि कोर्ट सेल नॉट अलाउ अमेंडमेंट अगर इसमें बहुत आवश्यक नहीं है कोई मेटेरियल चीज तो तो कोर्ट इसमें अलाउ भी नहीं करेगी ठीक है ना तो ये चार बातें हैं रूल सेवेंटीन में अब रूल 18 में आते हैं मान लीजिए कोर्ट ने अमेंडमेंट अलाउ कर दिया प्लीडिंग का अलाउ कर दिया तो जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो आपको अमेंड करना पड़ेगा आपको अमेंड कितने दिन में करना है ये उसमें लिखा हुआ है अगर मान लीजिए कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया है कि भाई इसको पांच दिन में अमेंड कर दो तो आप पांच दिन में अमेंड करना पड़ेगा

तो फिर बाद में आप में आप, आप कमेंट नहीं करने दिया जाएगा अनलेस लास्ट में लिखा हुआ है।, है अगर इसको फिर कर देती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोर्ट एक्सटेंड नहीं करती है तो ये लास्ट टाइम इतने या चौदह दिन में अमेंट करना, करना है नहीं तो बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा लेकिन अनलेस टाइम इज एक्सटेंडेड बाई तरीके से लेवरेज दिया जाता है पार्टीज को अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई न्याय के लिए जरूरी है तो उसको एक्सटेंड भी कर देगी तो यह था प्लीडिंग आर्डर सिक्स प्लीडिंग अभिवचन इसमें सारी बात हम लोग देख लिए। अब आइए दूसरा मॉड्यूल जो हमारा आया दूसरा मॉड्यूल है आर्डर सेवन प्लेट तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखिए उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या मैं करता हूं इसमें नेक्स्ट स्लाइड वाद पत्र आदेश सात ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं प्लेंट प्लेंट आर्डर सेवन मैं इसलिए इसको अंग्रेजी में लिख देता हूं कि इसका अंग्रेजी वर्ड ज्यादा प्रचलित है हिंदी वाला थोड़ा कम प्रचलित है तो वाद पत्र शायद आप न समझ पाए लेकिन प्लेट करने से शायद आप इसको समझेंगे इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं वाद पत्र वाद पत्र का जो यह है आर्डर सेवन में है। सेवन में फिर देखिए आपके पास चौदह रूल का कलेक्शन दिख रहा है इसको भी चार भाग में हमने बांटा है पॉइंट नंबर फर्स्ट कंटेंट ऑफ प्लेट अंतर वस्तु क्या होगा प्लैंट का कंटेंट्स क्या होंगे यह नियम एक से लेकर नौ तक है पॉइंट नंबर वन कब आपके प्लांट को लौटा दिया जाएगा इसके पास हमारे पास नियम दस नियम दस ए और नियम दस बी है ये तीन है हमारे पास प्लांट को कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके लिए हमारे पास रूल और से रूल तेरह तक है ग्यारह बारह तेरह और दस्तावेज जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो प्लेट के साथ आएंगे इसके लिए नियम चौदह तो ये चार बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और प्लैंट को कंक्लूड कर देंगे तो ध्यान दीजिए अंतर वस्तु प्लैंट की अंतर वस्तु क्या होगी कंटेंट ऑफ प्लैंट क्या होगा रूल वन बताता है आर्डर सेवन का रूल वन आदेश सात नियम एक क्या बताता है कहता है प्लांट ऐसे ड्राफ्ट किया जाएगा प्लेंट क्या है प्लेंटिव का डॉक्यूमेंट है प्लांट क्या है प्लेंटिव के क्लेम्स हैं तो क्लेम कैसे आप दाखिल करेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे न्यायालय का नाम इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन कानपुर ऐसे आप लिखेंगे फिर नीचे आप लिखेंगे अपना नाम मिस्टर एक्स इतना उम्र बाप का नाम ये आवास ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वर्सेस बनाम प्रतिवादी का नाम मिस्टर वाई उसका एज इतना रेजिडेंस इतना फादर्स नेम इतना, ये सब लिखेंगे एज डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ पार्टी मस्ट बी रिटेन. तो ए वर्सेस बी सबसे ऊपर न्यायालय का नाम उसके बाद पार्टीज का नाम इसके बाद सारी बातें लिखेंगे आप पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू हर एक कंटेंशन का एक पहरा होगा

आगे आप लिखेंगे अगर आप माइनर हैं सूट फाइल कर रहे हैं तो आप लिखेंगे मैं आप है, आप आप इसमें लिखेंगे तो ये बताता है ऐसे लिखेंगे आप इसको अब मान लीजिए आपका प्लांट मनी के लिए अमाउंट ऑफ मनी के लिए अमाउंट ऑफ मनी के लिए जब मुकदमा होता तो इसको मनी सूट बोलते हैं एम एस मनी सूट अगर अमाउंट ऑफ मनी के लिए है तो प्रिसाइज अमाउंट लिखेंगे जैसे मान लीजिए हमने किसी को दस हजार रुपया दिया और वो हमको नहीं दे रहा है तो हम दस हजार रुपया तो दस हजार ही लिखेंगे में फिर वेग नहीं होगा कि हमने इनको कुछ पैसा दिया था जैसे कि दस हजार ऐसे नहीं लिखना है क्लियर कट लिखना है कितना दिया था आपने तो क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा तो प्रिसाइज एंड कंसाइज अमाउंट आपको लिखना है अगर मनी सूट है तब अगर मान लीजिए टाइटल सूट है अगर प्रॉपर्टी से संबंधित जमीन से संबंधित मुकदमा है तो उसको हम बोलते हैं सूट टीएस टीएस टी से टाइटिल एस एस सूट, टाइटिली सूट. एस जब टाइटिल सूट है तो उसमें अगर जमीन से संबंधित हमारी हमारी जमीन है किसी ने कब्जा कर लिया तो उस जमीन के बारे में मैं बताऊंगा जैसे आपको कैसी जमीन कहां जमीन उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसकी एरिया कितनी है उसका पैमाना कितना है उसके पूर्व में क्या है उसके पश्चिम में क्या है सारी बातें उसका पैमाना के हिसाब से नक्शा के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिटर्न बाय मी तो ये मैं लिखूंगा तो ये प्लेट में सारा कुछ लिखा हुआ है ऐसे लिखेंगे हर एक क्लेम को अलग अलग लिखेंगे प्रॉपर्टी है तो उसका नक्शा के साथ और मैप के साथ लिखेंगे मनी है तो प्रिसाइज एंड कंसाइज अमाउंट लिखेंगे अगर आप माइनर हैं अनसाउंड माइंड है उसको लिखेंगे अगर आप सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं तो यह भी लिखेंगे नोटिस का रिक्वायरमेंट हमने पूरा कर लिया है सूट लिमिटेशन से बाढ़ नहीं है रेस्ट जुडिकेटर से बाढ़ नहीं है यह सारी बातें यह सब लिखेंगे सारी बात आप फ्लैंट में लिखेंगे और लिख करके नीचे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके साइन कर देंगे सारे कंटेंट एफिडेविट से सपोर्टेड होंगे ठीक है ऐसे आप प्लांट दाखिल कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं अंतर वस्तु कंटेंट्स ऑफ प्लांट जो हम लोगों ने यहां पे स्लाइड में अगर आप देखेंगे नियम एक से लेकर नौ तक तो ये था अंतर वस्तु कंटेंट्स ऑफ प्लांट तो कंटेंट्स ऑफ प्लांट अब दूसरे पॉइंट पे आइए प्लांट का लौटाया जाना रिटर्न ऑफ प्लांट बोलते हैं इसको रिटर्न रिटर्न कर दिया जाएगा आपका प्लांट रिटर्न कर दिया जाएगा लौटा दिया जाएगा नियम दस नियम दस ए नियम दस बी आपका प्लेट कब रिटर्न कर दिया जाएगा जैसे मान लीजिए आपका मुकदमा है दस हजार रुपए का और आप जिस न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने जा रहे हैं उसका मैक्सिमम जो रिस्डिक्शन है पांच हजार का फर्ज करिए हालांकि इतना कम नहीं है मैं हाइपोथेटिकल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं तो आपका मुकदमा बड़ा है और जिस अदालत में आप लेके गए हैं उस अदालत को उतने बड़े मुकदमे को निस्तारण करने की क्षमता नहीं है तो कोर्ट पहले तो देखेगी और देखने के बाद उसको लगेगा अरे ये तो आपका बहुत बड़ा मामला है तो बड़ी अदालत में जाना चाहिए तो आपसे कहेगी कि भाई साहब ये हमारे कोर्ट का मामला नहीं है हमारा इतना जोरिस्ट्रिक्शन नहीं है आप इसको दूसरे न्यायालय में ले जाओ तो इसको बोलते हैं लौटा दिया जाना आपका प्लेट लौटा दिया जाएगा अब लौटा करके कहा ले जाना है चूंकि आप कानून के आदमी नहीं हो आपको नहीं पता है किस कोर्ट को कितना जोरिस्ट्रिक्शन है हमारी प्रॉपर्टी कितने की है इतना नहीं जानते आप सब तीन तेरह तो आप क्या करोगे आप उसी कोर्ट में एक अप्लीकेशन दोगे कहोगे जज साहब ठीक है आपने लौटा दिया लेकिन कृपा करके आप यह बता दें कि मैं किस न्यायालय में जाऊं कब तक जाऊं और ये सारी सूचना आप प्रतिवादी को भी दे दें ताकि वो भी वहां पे पहुंच जाए क्योंकि हम तो इतना मेहनत करके यहां पे किए उसको भी सूचना दिए तो सब आप कर दीजिए प्लीज तो आप ही अप्लीकेशन देंगे कोर्ट ऑफ में जब देंगे तो जिस कोर्ट में आप जिस कोर्ट ने लौटाया था उस कोर्ट की अब मैंडेटरी ड्यूटी है शैल लिखा हुआ है ये कोर्ट क्या करेगी ये कोर्ट निश्चित रूप से आपको बताएगी इसकी जिम्मेदारी है कहां जाना है अब आपको किस कोर्ट में जाना है बताएगी आपको आपके वैल्यूएशन के हिसाब से यह भी बताएगी कब तक जाना है कहेगी इसके बाद जाओगे तो लिमिटेशन परिसीमा परे हो जाएगा इसी समय तक चले जाना नहीं तो आपका मुकदमा नहीं इंटरटेन होगा तो लिमिटेशन भी बताएगी और कहेगी कि ठीक है हम डिफेंडेंट को भी नोटिस दे देते हैं और उसको भी बोल देते हैं जिस तारीख में आप जाएंगे उस तारीख में वो भी जाएगा तो ये सारा काम ये कोर्ट करेगी और फिर आप दोनों लोग उस डेट तक वहां पे पहुंचोगे और उस न्यायालय में जो न्यायालय को इन्होंने बताया है वहां पे आपका मुकदमा चल पड़ेगा तो ये बोलते हैं लौटाना तो केवल लौटाना नहीं है लौटाने के साथ पार्टी को असिस्ट भी करना है क्योंकि लीगल इनलिटरेसी है तो लीगल इनलिटरेसी में कोर्ट की जिम्मेदारी है कि बताना उसको कि कानून के प्रावधान क्या है तो ये रूल दस दस, दस ए दस बी तीसरा पॉइंट अगर स्लाइड में आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है नामंजूरी ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं रिजेक्शन रिजेक्शन ऑफ प्लैंड रिजेक्शन ऑफ आप प्लेंट आपका प्लांट रिजेक्ट कर दिया जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है सबको तो मतलब सब समझ में आ गया है क्या है जो कानून से संबंधित लोग है तो आर्डर सेवन रूल इलेवन क्या है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट योर प्लेट इज लाइवल टू बी रिजेक्टेड अभी तक तो रिटर्न हुआ रिजेक्ट नहीं हुआ था ध्यान दीजिए रिटर्न हुआ था तो आप दूसरे कोर्ट में फिर लेके जा सकते हो लेकिन रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लेट खत्म हो जाएगा तो रिजेक्शन कब होगा कई ग्राउंड है जिसमें आपका प्लेट रिजेक्ट हो जाएगा जैसे पॉइंट नंबर में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया गया है वाई यू आर इंस्टीट्यूटिंग सूट फॉर दैट प्लेट इज साइलेंट कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट डिस्कलोज उस दशा में रिजेक्टेड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है दूसरा आपका मुकदमा अंडर वैल्यूड है ध्यान दीजिए इसकी जो वैल्यूएशन होनी चाहिए ना वो वैल्यूएशन से अंडर है। कम है इसका मूल्य आपने दिखाया है तीन है करोड़ की प्रॉपर्टी आप दो करोड़ दिखा रहे हो और दो ही करोड़ दिखा रहे हो तो स्टैंप आपका बच गया है। एक करोड़ का स्टैंप बचा लिया आपने तो स्टैंप चोरी हो गई सरकार का घाटा हो जाएगा तो आपने कायदे से वैल्यूएशन नहीं किया है तो योर प्लेट इज आइवल टू तो बी रिजेक्टेड लेकिन इसमें वैल्यूएशन नहीं है तो तुरंत रिजेक्ट नहीं करेगी कोर्ट आपको बुलाएगी आपसे कहेगी अंडर वैल्यूड है इसको तीन करोड़ लिखो और इसके एवज में स्टैंप लगा के ले आओ अगर आप इसको विद इन स्टूपुलेटेड टाइम जो कोर्ट आपको देती है चार दिन पांच दिन उतने में अगर ठीक करके आप लेते आते हैं तो रिजेक्ट नहीं होगा फिर कोर्ट ठीक आप चला देगी आपके मुकदमे को लेकिन उतने दिन में नहीं ले आओगे तब रिजेक्ट होगा ठीक है ना दूसरा पॉइंट है अंडर वैल्यू तीसरा अनसफिशियंटली स्टैंप्ड आपका जो प्लांट है वो स्टैंप उसमें प्रॉपर नहीं लगा हुआ है आप वैल्यूएशन तो तीन करोड़ बता दिए सही है जितना वैल्यूएशन है उतना ही बताया स्टैंप चाहिए था तीन लाख का लेकिन आपने लगाया दो ही लाख का कोर्ट कहेगी अरे भाई आपकी प्रॉपर्टी तो तीन करोड़ की है

लेकिन आप उसके बाद आते हैं न्यायालय में तो योर प्लेट इज लाइबल टू तो बी रिजेक्टेड नेक्स्ट पॉइंट है आपने डुप्लीकेट में नहीं उसको इंस्टीट्यूट किया है जब प्लांट आप इंस्टीट्यूट करेंगे ना तो उसको डुप्लीकेट में दो प्रतियों में इंस्टीट्यूट करना है ये आर्डर फोर में लिखा हुआ है आर्डर फोर सेक्शन ट्वेंटी सिक्स सीपीसी सी के में ये लिखा हुआ है कि जब आप प्लांट लेकर के जाएंगे तो जब सूट आप इंस्टीट्यूट करने जाएंगे तो प्लांट मस्ट बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट दो प्रतियों में जाएगा ठीक है ना तो दो प्रति में लेके जाना है आप दो प्रति में नहीं ले गए आपका प्लांट रिजेक्ट हो जाएगा फिर आगे लिखा गया है अगर आपने आर्डर सात रूल नौ का कंप्लायंस नहीं किया है ध्यान दीजिए आर्डर सात जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट उसका नियम नौ उसका कंप्लायंस नहीं किया है

कॉपी प्लैंट की प्लेंट की आपको लगानी है क्योंकि सारे को अलग अलग समझ जाएगा ये में व्यवस्था है इसकी और सबको समन के साथ के साथ की कॉपी लगा जाएगी तो जितने प्रतिवादी हैं उतना प्लस वन एन प्लस वन का फार्मूला इतना आपको प्लेट देना पड़ेगा अगर इसको आपने नहीं कंप्लाई किया तो एयर प्लेट इज लाइबल टू तो बी रिजेक्टेड तो ये सारे ग्राउंड मैंने बताया आपको चार पांच छह जिसमें कि आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा आर्डर सेवन रूल इलेवन अब जब प्लांट रिजेक्ट होगा तो कोर्ट रीजन लिखेगी ध्यान दीजिए क्यों आपका प्लांट रिजेक्ट हुआ है न्यायालय को रीजन लिखना पड़ेगा आर्डर में ऐसा नहीं है जिसका मन करेगा उसका प्लांट रिजेक्ट करेंगे जिसका मन करेगा उसका प्लांट एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसी बात नहीं है अगर आपका प्लांट रिजेक्ट होगा तो जज से आपको उसमें रीजन लिखना पड़ेगा कारण क्या है काज ऑफ एक्शन नहीं था अनसफिशियटली इस टाइम था तो टाइम दिया गया कि नहीं दिया गया ये सब उनको बताना पड़ेगा रीजन के साथ रिजेक्शन होगा ठीक है ना तो ये रूल बारह में लिखा है रूल तेरह ध्यान दीजिए रूल तेरह अगर इसका प्लेट रिजेक्ट हो गया टिप का काज अफेक्शन नहीं था फर्ज करिए और रिजेक्ट हो गया या डुप्लीकेट में नहीं दिया था इसका प्लेट रिजेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं है रिजेक्ट होने के बाद रूल थर्टीन कहता है जो कमी थी जिस आधार पर रिजेक्ट हुआ था उस कमी को पूरा कर देगा काज अफेक्शन लिख देगा या डुप्लीकेट में ले आएगा या जितने डिपेंडेंट हैं उतना लेके आएगा अगर इस सब आधार पर रिजेक्ट हुआ है तो और लेके आएगा लिमिटेशन के अंदर ही लेके आएगा

ठीक करके उसी कोर्ट में ले आएगा रूल थर्टीन में लिखा हुआ है उसको मना नहीं किया जाएगा ठीक है तो यह है रूल सेवनटीन और रूल फोर्टीन बोल रहा है जब आप अपना दावा करेंगे कोर्ट में जब प्लेंट करेंगे कोर्ट में जब आप अपना वादपत्र प्रस्तुत करेंगे तो अपने क्लेम के सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी है तो इसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट होगा ना हमारे पास मैं कह रहा हूं ये पेन हमारी है तो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रूल चौदह में लिखा हुआ है वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको प्लेन की कॉपी के साथ लगा करके न्यायालय में सबमिट करना है तो ये सारे कलेक्शन ऑफ रूल्स थे वाद पत्र के लिए वाद पत्र ऐसे संस्थित किया जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी दूसरा पॉइंट आपके समझ में आया होगा कि वादी जब वाद पत्र संस्थित करेगा तो उसके लिए सामान्य नियम क्या है आपका वाद पत्र कब लौटा दिया जाएगा ये रूल दस वाले ग्रुप में हम लोगों ने देखा आपका वाद पत्र कब रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये हम लोगों ने 11 वाले 11 बारह तेरह में देखा और लास्ट में हम लोगों ने देखा जब वाद पत्र आप सम्मित करेंगे तो उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे रूल 14 में हम लोगों ने देखा तो ये था आर्डर सात तो हम लोगों ने तीन आर्डर में से दो आर्डर कर लिया आर्डर छ अभिवचन आर्डर सात पत्र अब हम लोग तीसरे आर्डर पे जाते हैं तीसरे आदेश पे जाते हैं आदेश आठ जो स्लाइड में मैं आगे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा लिखित कथन आदेश आठ इसको बोलते हैं रिटेन स्टेटमेंट रिटेन स्टेटमेंट रिटेन स्टेटमेंट ऑर्डर एट सीपीसी ऑर्डर एट रिटर्न इस, इसको साठ में ना डब्ल्यू एस भी बोलते हैं डब्ल्यू एस ये बड़ा प्रचलित भाषा है डब्ल्यू एस आया कि नहीं आया

ये रूल छ ए से लेके तक है, छू सिक्स जी यहां हिंदी में गो आ गया जी को गो पढ़ लिया होगा हिंदी में वो ट्रांसलेटर ने गूगल ट्रांसलेटर ने इसलिए वो गो लिखा हुआ है वो गो नहीं होगा अगर आप देखेंगे ओ ब चलेंगे तो ये आगे बढ़ेगा जिसमें हो जाए सिक्स ए टू सिक्स जी है ध्यान दीजिए तो ये प्रतिदा है तो ये तीन चीजें हैं कंटेंट अपलेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम ये तीन चीज क्या है और रिटर्न स्टेटमेंट क्या है ध्यान तो अपोजिट पार्टी का प्रतिवादी का बचाव है ये और वो बचाव लिख करके ले आया है तो जिस डॉक्यूमेंट पे वो बचाव लिख करके आएगा उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन ठीक है तो ये डिफेंडेंट का डॉक्यूमेंट है अब लिखित कथन में वो क्या लिखेगा सारा बचाव लिखेगा मैं कहूंगा ये पेन हमारी है अब जब वो रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएगा वो कहेगा नहीं नहीं जज साहब ये पेन तो हमारी है तो वो एडवर्सरी लिटिगेशन है ना एडवर्सरियल सिस्टम में अपोजिट पार्टी की ये जिम्मेदारी ही है कि वो पहले पार्टी के सारे कंटेंशन को डिनाई करेगा कभी कभी एक्सेप्ट भी करेगा बड़ा ईमानदार होगा तो एक्सेप्ट करेगा ईमानदार जनरली कोई करता नहीं है मैं कहूंगा ये हमारा है तो कहेगा नहीं है हमारा है लेट इट बी डिसाइडेड विद कोर्ट कोर्ट अगर अपोजिट को डिसाइड कर देगी तो कोई बात नहीं हार जाएगा लेकिन वो पहले ही क्यों कह दे इनका है नहीं कहेगा वो जनरली नहीं कहता तो, तो वो सारे आप जो आप क्लेम किए हैं उसको डिफेंस में आएगा आपके सारे क्लेम को डिनाई करेगा आप कहेंगे दिस कोर्ट कोर्ट हैव हैव टू टू टेक टेक अप अप द मैटर वो कहेगा नो दिस डोंट द मैटर आप कहेंगे दिस दिस इज इज नॉट बाय बाय रेस रेस वो कहेगा नो no, जो आप कहेंगे उसको डिनाई करेगा तो आपका एक्सेप्टेंस और उसका डिनाइल इसी पे इशू फ्रेम हो जाएगा ठीक है ना तो ये तो बात की बात है इशू जब हम लोग अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे तो रिटर्न स्टेटमेंट में ये बात है रिटर्न स्टेटमेंट में प्रतिवादी वादी के सारी बातों को डिनाई करेगा ठीक है अब क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट कितने दिन में वो लेकर के आएगा न्यायालय में ध्यान दीजिए प्लेंटिव ने आज वाद पत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया आर्डर सेवन में जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उस दिन से तीस दिन के अंदर ध्यान दीजिए हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल में देखा था आदेश पांच में फ्रॉम डेट ऑफ विद इन थर्टी डेज ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि समन अपोजिट पार्टी को भेज देगी भेज देगी अब उसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा वो तो बात की बात है हम ने देखा था समन कैसे सर्व होता है लेकिन की जिम्मेदारी है जाएगा ध्यान दीजिए जिस दिन उसको नॉलेज में आ जाएगा कि अच्छा हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है और हमको न्यायालय में लिखित कथन लेके जाना है जिस दिन उसको पता चलेगा उस दिन से कितने दिन में वो लिखित कथन लेके आएगा लिखा हुआ है रूल एक में आदेश आठ के रूल एक में लिखा हुआ है विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ध्यान दीजिए सर्विस ऑफ समन से तीस दिन के अंदर वो न्यायालय में अपना लिखित कथन प्रस्तुत करेगा अगर तीस दिन में नहीं प्रस्तुत कर पाया तो वो उसको नब्बे दिन में प्रस्तुत करेगा साठ दिन और बढ़ जाएगा ध्यान दीजिए तो इधर विद इन थर्टी डेज इफ नॉट विद इन थर्टी डेज देन नाइनटी डेज नब्बे दिन मान लीजिए नब्बे दिन में भी नहीं आता है तो एक बड़ी लीडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट की कैलाश वर्सेस ननकू सुप्रीम कोर्ट कहती है नब्बे दिन के बाद वो आता है वो बीस एक सौ दिन के बाद आता है वो एक साल के बाद आता है लेकिन लिखित कथन की कॉपी के साथ आता है और नहीं आने का सफिशियंट कारण बताता है तो उसके रिटर्न स्टेटमेंट को ले लिया जाएगा मान लीजिए वो कहता है जज साहब हमारा तो सिवियर एक्सीडेंट हो गया था और मैं छह महीने से बेड था अनबेड था और डॉक्टर ने हमको कंप्लीट रेस्ट एडवाइस किया था इसलिए मैं नहीं आ पाया आपके कोर्ट में तो आता है छह महीने के बाद वो आता है एक साल के बाद लेकिन सफिसियंट रीजन बताता है और डब्ल्यू की कॉपी के साथ आता है रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी के साथ आता है तो इसमें तीस और नब्बे का फार्मूला नहीं चलेगा वहां पर तब भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा लेकिन जनरल फार्मूला क्या है इधर विद इन थर्टी डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन आर विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम दी डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन दैट इज वर्थ कैपिंग और इसके बाद उसको नहीं लिया जाएगा तो यह है नियम एक इतने दिन में लेके आएगा अब ध्यान दीजिए

ये पेन इनकी नहीं है इसको हम बोलते हैं क्लियर डिनाइल स्पेसिफिक डिनाइल यह नहीं कहेगा कि यह पेन इनकी नहीं होनी चाहिए इनकी नहीं होनी चाहिए तो तुम्हारी तो नहीं है ना तो तुम, तुम क्यों आ रहे हो यहां पे? तो कहेगा यह पेन इनकी नहीं है यह हमारी है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डिनाइल लेकिन वो कहता है यह पेन इनकी नहीं होनी चाहिए हो सकता है हमारी हो यह कैसा डिनाइल है इवेसिव डिनाइल है वेग डिनाइल एम्बिगुअस डिनाइल है यह नहीं चलेगा तो आर्डर आठ में साफ साफ लिखा हुआ है डिनाइल मस्ट बी स्पेसिफिक

इसमें अंतर वस्तु ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट कंटेंट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट तो ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट में डिनाइल होगा स्पेसिफिक होगा होगा नहीं हो और ये रिटर्न स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर आएगा फ्रॉम द डेट आप सर्विस अगर आप 30 दिन में नहीं आया तो 90 90 दिन दिन में आएगा। दिन में आएगा भी नहीं आया तो कैलाश वर्सेस ननको की गाइडलाइंस फॉलो होगी तो ये हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर वन इसका आप पॉइंट नंबर टू पे आइए दूसरा पॉइंट क्या है मुजरा इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट ऑफ मुजरा को बोलते हैं सेट ऑफ रूल सिक्स ऑफ ऑर्डर एट रूल सिक्स सेट ऑफ सेट ऑफ को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ध्यान दीजिए एडजस्ट कर दिया जाना अब जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं मैं मुकदमा करता हूं एक्स के खिलाफ मैं कहता हूं जज साहब एक्स ने हमसे सौ रुपया लिया है और ये कहा था हम दस दिन में दे देंगे इसने नहीं दिया और इसलिए मैं इसके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर रहा हूं हमको इसे सौ रुपया दिलवाया जाए जज साहब कहेंगे भाई

उससे मैंने भी लिया था मैंने उसको नहीं दिया था ये हमारा पचास उसमें एडजस्ट हो गया रिमेन्स फॉर दैट आई एम टू तो ये सेट ऑफ है ध्यान दीजिए मुजरा इसको बोलते हैं के क्लेम को प्रतिवादी के बचाव से एडजस्ट करने के बाद व्हाट्स एवर एमाउंट रिमेन्स ओनली फॉर दैट अमाउंट प्लेन टीज इन टू इसको बोलते हैं सेट ऑफ ध्यान दीजिए अब सेट ऑफ के कुछ रिक्वायरमेंट है सेट ऑफ हमेशा का हमेशा मनी सूट में होगा ध्यान दीजिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मुकदमा अमाउंट ऑफ मनी के लिए है, तो उसको मनी सूट बोलते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो टाइटल सूट सूट बोलते हैं तो ये मनी में होगा ये प्रॉपर्टी के संबंधित ऑफ मनी एडजस्ट कराया जाएगा मनी सूट में होगा दूसरा एसरटेंट सम ऑफ मनी होगा ध्यान दीजिए सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल ये तीसरा पॉइंट है वो मनी लीगली रिकवरेबल ही नहीं चाहिए मान लीजिए मनी तो है सबको मैंने उसको सौ रुपया इसलिए दिया था कि वो स्मगलिंग करेगा और मैं कहता हूं कि मैंने स्मगलिंग करने के लिए उसको सौ रुपया दिया था उसको इन एबनॉक्सियस ड्रग पीने के लिए हमने सौ रुपया दिया था और उसको मैं मांग रहा हूं तो क्या इस चीज के लिए किसी को आप पैसा दे सकते हैं यह तो है दिस इज नॉट लीगली रिकवरेबल ठीक है तो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए तब आप क्लेम करेंगे मुजरा नहीं तो नहीं कर क्लेम कर सकते तो सर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बोथ पार्टी मस्ट फिल द सेम कैरेक्टर इन द सूट और यह कब तक क्लेम करेगा डिफेंडेंट मुजरा के लिए कब तक क्लेम करेगा फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट ऑन आर बिफोर फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट जैसे मुकदमे की पहली सुनवाई होगी ना उसी दिन या उसके पहले उसको मुजरा क्लेम करना है फर्स्ट सुनवाई के बाद नहीं क्लेम करना है तो पहले ही एडजस्ट करवाने के लिए कहेगा क्योंकि जो अमाउंट बचा उसी पे कोर्ट का निर्धारण होगा तो आप पहले ही उसको क्लेम कर देना है लास्ट में करोगे जजमेंट के समय तो कोर्ट ने पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा बाद में आप एडजस्ट के लिए आ रहे हो एक नया बखेड़ा खड़ा कर दोगे आप तो बखेड़ा को पहले ही खड़ा करें आप तो फर्स्ट हियरिंग ऑनर बिफोर फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट सेट ऑफ क्लेम करना पड़ेगा तो ये सारी बातें कब तक करेगा सेट ऑफ ठीक है तो ये था सेट ऑफ एडजस्ट हो जाएगा अगर ये सारा सेटिस्फाई होता है तो एडजस्ट हो जाएगा और कोर्ट डिसाइड कर देगी अब लास्ट पॉइंट इसमें आइए प्रतिदावा इसको बोलते हैं काउंटर क्लेम ध्यान दीजिए काउंटर क्लेम काउंटर क्लेम रूल छ से लेके छ जी तक काउंटर क्लेम प्रति दावा यह क्या है प्रति दावा को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं प्रति दावा यह है एक्स्ट्रा क्लेम आप इसको बोल सकते हैं जो मैं एग्जाम्पल दिया है उसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं जैसे मैं कहता हूं जज साहब मैंने इसको सौ रुपया दिया है और यह नहीं दे रहा है वादी के रूप में मैं कहता हूं प्रतिवादी आता है तो कहता है हाँ जज साहब इन्होंने मुझे सौ रुपया दिया है लेकिन मैंने इनको दो सौ रुपया दिया है ध्यान दीजिए मैंने इनको दो सौ रुपया दिया है तो मैं तो सौ रुपया मांग रहा था वो हमसे दो सौ रुपया जो सौ रुपया है इसके लिए प्रतिवादी वादी हो जाएगा और इस सौ रुपए के लिए वादी प्रतिवादी हो जाएगा इसके लिए हमको रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा तो ध्यान दीजिए इसमें दो मुकदमे हो जाएंगे प्रतिदावा में दो मुकदमे हो जाते हैं एक तो ओरिजिनल प्लांट जो मैंने सौ रुपए के लिए किया था और एक काउंटर क्लेम जो दो सौ रुपए के लिए कर रहा है तो एक में मैं प्लेटिव वो डिफेंडेंट और प्रतिदावा में वो प्लेटिव मैं डिफेंडेंट तो क्रॉस सूट हो जाएगा जैसे क्रॉस सूट इन अ पर्टिकुलर सिविल मैटर तो ये दोनों मेन मुकदमा और काउंटर क्लेम ये दोनों क्रॉस सूट हैं इन द सेम मैटर क्रॉस सूट हो जाएंगे ठीक है ना ये इसका नेचर और फीचर है तो ये ऐसे चलता है दोनों का अलग अलग निस्तारण होगा दोनों में अलग अलग इश्यू फ्रेम किए जाएंगे तो ये था रूल छोड़ा हुआ हूं अगर आप देखेंगे तो यहां है अल्टरनेटिव प्लीडिंग अल्टरनेटिव प्लीडिंग या एडिशनल प्लीडिंग भी इसको बोलते हैं अतिरिक्त अभिवचन एडिशनल प्लीडिंग एडिशनल प्लीडिंग इसके लिए हमारे पास है रूल नौ और दस रूल नौ और दस एडिशनल प्लीडिंग ये क्या है एडिशनल प्लीडिंग नहीं अलाउ करी जाएगी सीपीसी के द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट होने तक ही जो भी प्लीडिंग आएगी वो आएगी चाहे प्लेंटिव का प्लेट हो चाहे डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट हो ये कब तक आएगा जब तक रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट होता है तभी तक आएगा बस रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद कोई एडिशनल प्लीडिंग नहीं आएगी और रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद कोर्ट का दरवाजा बंद तो अगर मान लीजिए अमेंडमेंट करना है प्लेंट में तो रिटर्न स्टेटमेंट के करो उसको रिटर्न स्टेटमेंट देना है तो उसी में जो करना है वो कर दे या उसके बहुत जल्दी ही उसमें जो अमेंडमेंट करना है जो उसकी टाइम लिमिट बताई गई है तब तक आ जाए लेकिन ये नहीं कि जजमेंट होना है तब तक प्लीनिंग ही आ रही है इसलिए इसको रोका गया है ये रूल नौ में लिखा हुआ है और रूल दस बोलता है कि अगर आपको रूल एक में तीस दिन या नब्बे दिन या रूल नौ में जो टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब है उतने दिन में अगर आप एडिशनल प्लीडिंग या मेन प्लीडिंग नहीं सबमिट करते हैं कोर्ट लॉ में तो उसके बाद आपको प्लीडिंग नहीं सबमिट करने दिया जाएगा जब तक टाइम इज एक्सटेंडेड कोर्ट तो एडिशनल प्लीडिंग के लिए कैपिंग है नहीं तो लास्ट लास्ट तक लोग प्लीडिंग ही सबमिट करते रहेंगे ठीक है ना तो एडिशनल प्लीडिंग के लिए रूल नाइन एंड रूल टेन है ये बात है तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखित कथन के भी सारी बातों को समझ लिया तो ये था हमारे पास अभिवचन दावा और लिखित कथन अभिवचन वादपत्र और लिखित कथन अभिवचन आदेश छत और लिखित कथन आदेश आठ तो इन तीनों को मैंने आपको बताया मैं थोड़ा समराइज करूं इसको क्या बताया मैंने आपको मैंने बताया अभिवचन अभिवचन क्या था अभिवचन प्लीडिंग था प्लेंट प्लेंटिव का और डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट ये अभिवचन था इसको वस्तु इसकी क्या होगी इसको कैसे सबमिट करना है इसमें वेरिफिकेशन कब होगा इसमें सिग्नेचर कब होगा इसमें अमेंडमेंट कब हो जाएगा और अमेंडमेंट के बाद पार्टी के क्या लाइबिलिटी है तो ये सारा हम लोगों ने रूल छ में देखा ये प्लेंटिव के पे भी लागू होगा डिफेंडेंट पे भी लागू होगा जब आदेश सात पे हम आते हैं तो हम देखते हैं वाद पत्र जो केवल प्लेंटिव का डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल प्लेंटिव के क्लेम है इसमें हम लोगों ने देखा इसका अंतर वस्तु क्या होगा प्लेंट कब लौटा दिया जाएगा प्लेट कब रिजेक्ट हो जाएगा रिजेक्ट होने पर क्या प्रोसीजर होगा और जब आप प्लेंट सबमिट करेंगे तो उसके साथ रिलाय डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट करेंगे और तीसरा मॉड्यूल तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा इसमें तीसरा हेडिंग रिटर्न स्टेटमेंट लिखित कथन जो केवल डिफेंडेंट का डॉक्यूमेंट है इसमें इसके लिए आदेश आठ है तो आदेश आठ में लिखा गया है कि लिखित इस कथन कब तक लिखित कथन फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन तीस दिन तक या नहीं तो नब्बे दिन तक और या नहीं तो कैलाश वर्सेसन को और जब लिखित कथन आप लेके लेके आएंगे तो इसमें रूल वन कैपिटल ए भी है आदेश ए आठ नियम वन कैपिटल ए जैसे आदेश सात में नियम चौदह है तो वैसे ही आदेश आठ में नियम वन कैपिटल ए है जैसे आप प्लेन के साथ रिलायड डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं यहां पे लिखा हुआ है वन कैपिटल ए में लिखित कथन के साथ भी आप रिलायड डॉक्यूमेंट जो विश्वास वाले आपके दस्तावेज है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा ये लिखा हुआ है तो ये हो गया हमारा लिखित कथन कब तक इसके बाद लिखित कथन में दो नया कॉन्सेप्ट आते हैं मुजरा और प्रतिदावा जिसको हम सेट और काउंटर क्लेम बोलते हैं जो रूल सिक्स का ग्रुप पूरा बताता है सेट केवल लिमिट तक है काउंटर क्लेम एक्स्ट्रा क्लेम है एक्स्ट्रा क्लेम जब वो होता है तो काउंटर क्लेम क्रास हो जाता है क्योंकि उसमें प्लेटिव डिफेंडेंट और डिफेंडेंट प्लेटिव बन जाता है ठीक है ना तो थोड़ा अलग तरीके का मामला है जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें और भी डिस्कशन की आवश्यकता है लेकिन यहाँ पे आप इतना समझें और उन रूल को पढ़ें अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर इस पर देखा जाएगा कि एक कोई सेशन ले लिया जाए लेकिन फिलहाल आप इसको हमको उम्मीद करना कि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इसके अलावा है एडिशनल प्लीडिंग तो एडिशनल प्लीडिंग में रूल नौ, नौ और दस है उसको भी कब तक देना है और अगर नहीं देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा यह सब उसमें लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों दस्तावेजों का विस्तृत व्याख्या किया मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभिवचन वाद पत्र और लिखित कथन जो आदेश छः सात और आठ में क्रमशः वर्णित है ये आपको समझ में आया होगा और इस नोट के साथ मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ आपको इस पेशेंस हेयरिंग के लिए और सभी लोगों को धन्यवाद नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.